Hey, what's up guys? मेरा नाम है विक्रम एंड आप देख रहे हैं विक्रमलस गेमर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपका दोबारा से हो चुका है वेलकम हमारे इस वर्ल्ड में लोकी क्राफ्ट के। तो भाई यहाँ पे पिछली वाली वीडियो को काफ़ी टाइम हो चुका है, जो कि मुझे लिटरली कुछ नहीं पता भी उसमें क्या हुआ था, इसलिए उसको छोड़ते हैं एंड आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, समझ रहे हो? तो अगर समझ चुके हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, समझो या नहीं समझे तो इसका मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कमेंट कर दो। तो यहाँ पे गाइस अभी हम बाहर चलते हैं थोड़ा सा, एंड काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ कासल के अंदर ही काम करने में लगे पड़े हैं, तो मैंने सोचा भाई आज कासल के बाहर थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो एक मिनट, ये मासी जी किधर से आ रही हैं? अभी तुम मॉब्स लोग तो मेरे से 10 गज दूर होके रहो, क्योंकि तुम लोग मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे पास नॉक बैक वाली इंचेंटमेंट इसके अंदर लगा रखी है मैंने। तो गाइस अभी ना मुझे काफ़ी सारी इंचेंटमेंट और लगानी है, इसीलिए मुझे बुक्स चाहिए। एंड हाँ, मुझे याद आ गया, हमने पिछले वाली वीडियो में ये वाले बीकन्स बनाए थे, रेडीमेड बीकन्स जो कि हमने खुद रेडी किए थे। एंड मैंने ये ना काफ़ी सारे वूल इकट्ठी की है एंड यहाँ पे लगा दिया, एंड काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। एंड अभी ना मेरे दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ चल रहे हैं हमारे इस वाले वर्ल्ड को लेकर, तो उसको भी हम आगे करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो ना मैं जल्दी से जाके जो हमारे एनिमल्स हैं उनको मारता हूँ, क्योंकि मुझे बुक्स बनानी है। एंड बुक्स से मुझे याद आया मेरे पास यहाँ पे शुगर केन भी नहीं है ताकि मैं पेज बना सकूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं फार्म्स, ठीक है, आज की वीडियो में हम फार्म्स बनाएंगे। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास मेरे AWM है, एंड आप लोगों में से कौन कौन बंदा BGMI खेलता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी खेलनी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है मैंने कल से। तो आप मुझे बताओ कि आप खेलते हो, अगर खेलते हो तो मेरे साथ ज़रूर, अगर खेलना चाहते हो तो मुझे ज़रूर अपनी आईडी देना। तो अभी हम लोकी क्राफ्ट के अंदर भी BGMI खेल लेते हैं। तो यहाँ पे सामने गाइस एक मुझे बंदा दिख चुका है जो कि गिली सूट पहन के आया हुआ है, एंड हमारे पास है AWM एंड इसके पड़ेगा पट जेड शॉट। तो भैया यहाँ पे उस बंदे ने भी हमें देख लिया, तो अभी हमें इसको रश करके मारना पड़ेगा। तो आजा भैया, AWM के चाटे पड़ने वाले हैं, दड़े दड़ चाटे पड़ने वाले हैं। वो तो भैया AKM का वार करने लग गया मुझे लगता है। तो कहाँ है पट, ओ भाई पट से नहीं बजा, अबे हट जा भाई, लग क्यों नहीं रहा इसको। एक मिनट भाई, छोड़ो लोकी क्राफ्ट में वापस आ जाओ। ओके, तो भैया इसको मैंने अपनी स्वॉर्ड के साथ ख़त्म किया है, एंड ओके, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कुछ आ चुका है। ओके, मैं कह रहा हूँ भैया इसके पास इतने इंचेंटमेंट वाले आर्मर्स कहाँ से आ गए? तो भैया मेरी डिफ़िकल्टी लेवल तो पूरा हाई हो रखा है, इसीलिए मुझे ये मिल चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो हमारे एनिमल्स को मारा था उनसे जो फूड मिला इसको उठाते हैं, एंड लिटरली मैं फूड लेकर नहीं आया अपने साथ। ओके, तो यहाँ पे BGMI का एक खिलाड़ी और हमारी तरफ आता हुआ, इसको इग्नोर करते हैं यार, मैं इसके साथ पंखे ज़्यादा नहीं लेता क्योंकि ये मुझसे मर जाता है अभी आजकल, इससे नहीं मैं डरता। तो ओके, अभी यहाँ पे ये मेरे कनेक्शन तो नहीं टूट गए? ओके, ये सही है। तो अभी ना मुझे पेपर लेकर आने के लिए जाना पड़ेगा विलेज के अंदर, क्योंकि आप लोग को पता है वहीं पर से हमें सीड मिलेगी, एंड शुगर केन भी उसी साइड में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा डेजर्ट का एरिया है, वहाँ पे मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम चलते हैं विलेज के अंदर। ओ भैंस की टांग, गाइस लिटरली अभी मैं ऊपर से नीचे गिरने वाला था, आपने देखा, एक बार पीछे करके देखना, एंड मैं उस वाले कट से मैंने कैसे कट मार के ऊपर मैं आया हूँ। ओके, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर से आगे, एंड आपको मैं दिखा देता हूँ मैं क्यों नहीं डर रहा आजकल, क्योंकि तुम्हारे भाई ने ग्राइंडिंग कर करके ये वाला आर्मर बना लिया है। देखो इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर बस अब इंचेंटमेंट बाकी है थोड़ी बहुत करनी, एंड इसके बाद ये बन जाएगा गॉड लेवल का आर्मर। तो भैया ये इंचेंटमेंट मैं वीडियो के अंदर ही करने वाला हूँ, ग्राइंडिंग में तो भैया ऑफलाइन में चलती है मेरी। तो ओके, अभी बहुत घूमना घुमाना हो गया, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर से विलेज की साइड में। तो इस साइड में जाके विलेज है, हाँ इस साइड में एक विलेज है, मैंने आज तक मुझे लगता है मैंने एक ही विलेज ढूंढ लिया यार। भाई कोई बात नहीं, अभी वहाँ पर से मैं सीड लेके आऊँगा एंड अपने यहाँ पे फार्म बनाऊँगा। तो ओके गाइस, हम लोग पहुँचने वाले हैं हमारी विलेज के अंदर, तो जल्दी से चलते हैं। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, हम लोग आ चुके हैं विलेज के बाहर। तो भैया अभी इस विलेज के अंदर मैं आप लोगों को जो सबसे रेयर चीज़ है लोकी क्राफ्ट की, सबसे रेयर चीज़ कौन सी है, इंचेंटमेंट आ गया, वो है हमारी क्या, ट्रेडिंग, हाँ
ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को कैसे करते हैं। आज तक तुम्हें कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया होगा, किसी भी यूट्यूबर ने तुम्हें नहीं बताया होगा लोकी क्राफ्ट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो यहाँ पर से आगे तक ध्यान से जरूर देखना। और मामू क्या हाल चाल है? ओ भाई साहब, ये ऐड बीच में क्यों आ गई? मैं डायलॉग बोलने जा रहा था, यहाँ पर इसको पटका, वहाँ पर जाके पटका, समझ रहे हो? यहाँ पर से मैंने वहाँ पे उठा दिया इसको। ओके, तो नीचे भी मामा जी खड़े हैं। हेलो मामा जी, कैसे हो? ओके। ओह भाई, मरियो मत, तेरे साथ इंचेंट वो करनी है हमें ट्रेडिंग। यहाँ पे ये देखो शुगर केन मिल चुका है ना, मैंने कहा था ना भाई विलेज के पास ज़रूर मिल जाता है। एंड यहाँ पे जितना भी शुगर केन है इसको उठाते हैं एंड फिर मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ भी कैसे करते हैं, ठीक है? वो जो टॉपिक है वो काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं वो वाला टॉपिक आज की वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। एंड ओके, तो अभी यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक को। यहाँ पे आप गाइस सिंपल ये देखो, ये मेरे पास कैरेट्स है लगी पड़ी है, मैं इनको तोड़ देता हूँ, ठीक है? एंड अभी इनको तोड़ने के बाद मैं उठा लूँगा, सारी की सारी उठा लूँगा। एंड मैं आपको पहले बता दूँ कि इसके अंदर आपको एमरल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। एंड विलेजर्स के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स की, समझ रहे हो? फूड आइटम की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये वाले जितने भी मेरे पास सीड है मैं इनको उठा लेता हूँ, जो कैरेट सीड है इनको। एंड फिर अभी वेट करते हैं किसी एक विलेजर के आने का, जो यहाँ पे आके वो लगाएगा हमारी कैरेट्स। ओके, तो अभी मैं उस साइड में चलता हूँ। और मामे वहाँ पे काम कर यार, क्या कर रहा है यहाँ पे? वहाँ पे जा जाना, तो ये नहीं जाएगा। तो इस वाले फार्म में चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, वहाँ पे कोई विलेजर आएगा एंड तभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? तो अभी यहाँ पर से इस वाले फार्म के जो सारी की सारी कैरेट्स हैं इनको हम तोड़ देते हैं जल्दी से। एंड अभी पट 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 करके सारे के सारे हम तोड़ देते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर से ओके, वो देखो सरपंच साहब आ गए। सरपंच साहब अभी जाके सभी के सभी विलेजर्स को जाके कहेंगे कि काम करो, थोड़ा काम करो। तो अभी हमारे पास ओके, वहाँ ये देखो ये वाला विलेजर वहाँ पे जाके लगा के आया ना, आपने देखा? अभी ये विलेजर यहाँ पर से इस साइड में आएगा एंड यहाँ पे आके ये देखो ये काम करने लग गया, क्योंकि ये सरपंच के आने का अपने वेट कर रहा था, ठीक है? एंड अभी ये देखो लगा रहा है। ओके, तो अभी जैसे ये लगाता जा रहा है हमें तोड़ते जाना है एंड उठाते जाना है। अभी इस बंदे को जहाँ कहीं भी ये खाली जगह दिखेगी ये वहाँ पर जाके सीड लगा देगा, समझ रहे हो? यही हम ऐसे ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं लोकी क्राफ्ट में। ये मतलब मैंने काफ़ी सोचा एंड उसके बाद मुझे समझ में आया भी लोकी क्राफ्ट में ऐसे कुछ मतलब माइनक्राफ्ट जैसे तो गेम है लेकिन उसके पूरी उसके जैसे क्यों नहीं है। ओके, अब ये रुक चुका है ना, जब ये रुक जाता है तभी उसके पीछे वाले सीड आप तोड़ देना एंड उसको उठा लेना एंड आगे वाले ये खुद लगाता जाएगा। ऐसे कर करके ये हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है? अभी मुझे काफ़ी सारी ट्रेडिंग करनी है इनके साथ, तो भैया आपसे मैं इसको विलेज को लूटना नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा अभी ट्रेडिंग करना, समझ रहे हो? तो हम विलेज में जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो अभी ऐसे वो देखो एक विलेजर वहाँ पर से हटा और दूसरा विलेजर आ गया। ये ना सीड अपने आप ये बनाते रहते हैं, इनके पास कोई ऐसी मतलब लोकी क्राफ्ट वालों ने पावर दे रखी है कि ये सीड अपने आप ही इनके पास आते रहते हैं एंड हम इसके साथ ये सीड्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलो मैं इस वाली जो विलेज है इसको लूट लेता हूँ एंड अभी चलते हैं फिर अपने घर को, यहाँ पर सारा का सारा काम निपटाने के बाद। ओए चौधरी साहब, इधर आके काम क्यों नहीं कर रहा है? वहाँ पे क्यों खड़े हो? अबे रुक जा भाई, तेरे से मिलने आ रहा हूँ भाई। यार ये कैसा बनता है, साला मिल ही नहीं रहा है यार ये। हेलो ओए इधर जा, क्या कर रहा है? मुझे लगता है इसने कुछ कांड किया है यार, क्यों ये नजरें क्यों छिपा रहा है? अबे भाग गया, अबे भाग चुका है भाई, इसको मारो। अबे क्या कर रहा है? मुझे लगता है यार ये कोई काम कांड करके आया और मैंने इसको मार दिया। ओ नो, मैंने इसको मार दिया है। एंड मुझे लगता है वो देखो सामने वाले विलेजर ने देखा, उसने भी देखा एंड ये मासूम बन रहा है ना, मासूम बनोगे? एक मिनट, अभी मैं इसको भी मारूंगा क्योंकि इन लोगों ने देख लिया है कि मैंने उसको मार डाला है। एंड अगर ये गया अपने सरपंच के पास तो भैया ये तो सीधा मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो अभी मुझे यहाँ पर से भागना पड़ेगा। जल्दी से भागो 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 भागो। हाय बनी, कैसे खाते हो भाई इसको? बनी बनी खाओ भाई। अच्छा पहले मैं खा लूँ? ओके, तो कैसे खाएगा भाई? ओ सॉरी सॉरी भाई भाई, मैंने मार दिया। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि मैंने आज तक कितने भी पेट को टेम किया हो, ठीक है? मैंने लेकिन आज तक बनी को टेम नहीं किया। आज हम लेके जाने वाले हैं अपने कासल में बनी। ओके, तो चलो इसके साथ और हम कैरेट्स तोड़ लेते हैं ताकि इनको भी खिलाएंगे एंड हमारे पास और सीड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ना दो बनी मुझे मिले हैं, इनको ट्रेडिंग इसके सॉरी ब्रीडिंग कराते हैं इनकी एंड इनको अपने कासल में लेके चलते हैं ना, काफ़ी सही रहेगा। तो अभी इनको लेकर जाना है एंड मुझे पीछे भी ध्यान रखना पड़ेगा कोई गड्ढा वड्ढा ना जाए। ओके, तो खाओ भाई। हेलो इधर 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 ओए इधर
चौधरी उधर कहाँ जा रहा है? तो ओके अभी देखते हैं भैया, मिल जाएंगे। वो देखो दिल निकल रहे हैं। ओके देखते हैं भाई इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो पाती है या नहीं। ओके ओके तो भैया यस बाय 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 बाय। तो ओके गाइस अभी मैं हम लोगों को अपने कासल में लेकर आ चुका हूँ। एंड पिछले वाले सीन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या हुआ है, मतलब दिल खुश हो गया। वो देखो अंदर बैठा ना एक, लेकिन सबसे सैड मोमेंट मेरे लिए पता क्या है, पिछली बार मतलब जो ये मैंने काट दिया ना क्लिप, वो मैंने अपने गुस्से के कारण काटी है, समझ रहे हो। मैं एक ना इनमें से, ये तीन थे, इनमें से एक वहीं पर मर गया, लेकिन अभी तीन होने वाले हैं दोबारा से। ओके यहाँ पे तीन हो चुके हैं। वो रास्ते में पता है किसने मारा? उस जॉम्बी ने, जॉम्बी की वजह से मर गया वो मेरे पीछे आ रहा था और मेरे आगे ये थे, समझ रहे हो, और मेरे चक्कर में उसने इनको मार डाला। तो यहाँ पे गाइस ये देखो, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था भाई इसके अंदर कैसे लग रहा है। तो भैया मतलब यहाँ पर तो मुझे लाइट का कोई भी सोर्स लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे ऐसे ही मतलब थोड़ी सी रोशनी रहती है। तो ओके गाइस अभी इन रोशनी वोशनी छोड़ो, अभी हम काम पे लगते हैं। अभी हम बनाने वाले हैं हमारे फार्म्स, ठीक है। एंड इन वाले फार्म्स के बाद ना हमारे कासल की जो लुक है, मतलब मेरे दिमाग में कब से कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे बनाऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में जब ये आइडिया आया कि हम अगर पानी के अंदर कासल बना सकते हैं, पानी के अंदर हम अपना फार्म क्यों नहीं बना सकते। तो यहाँ पे अभी हम दोनों साइड में फार्म बना देते हैं, काफ़ी सही लुक आएगी। ओके जल्दी से पट 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 करके जल्दी से इसको मैं काम फिनिश कर देता हूँ, एंड बाद में आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है ये सारा का सारा काम करने के बाद अपना फार्म। तो ओके यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। एंड इस साइड में ये वाला मैं फार्म बना दूंगा, कैरेट प्लस वीट फार्म। एंड काफ़ी सारे फार्म बनाने हैं मुझे, पीछे वाली साइड में भी मैं बनाने वाला हूँ अपने फार्म। एंड अभी ना मेरे दिमाग में एक बात और आई है, मैं एक साइड में ये वाला फार्म बनाऊँगा एंड एक साइड में बना देता हूँ अभी के लिए शुगर केन का फार्म, समझ रहे हो। अभी शुगर केन के ज़्यादा मेरे पास तो है ही नहीं, लेकिन उसके लिए मैं अगली वीडियो तो मैं काफ़ी सारे उगा कर काट कर दोबारा से जैसे से करके बना लूँगा। एंड इस वाली सीरीज में मैं सोच रहा हूँ कोई ऑटोमेटिक फार्म ना बनाया जाए तो ही सही है, समझ रहे हो। तो अभी मैं यहाँ पे इनके अंदर ही हम वीट का वाला फार्म बना लेते हैं। एंड मैं ज़्यादातर तो भैया गोल्डन कैरेट ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नैदर के अंदर थोड़ा सा सोच रहा हूँ कोई फार्म बनाने के लिए गोल्ड का, तो वो भी देखते हैं कब तक बनता है। एंड अगर इस वाली वीडियो के ऊपर सही से मतलब ठीक ठाक लाइक आ जाते हैं तो वो अगली वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो के बाद शायद से ये वाली वीडियो ही डाल दूँ मैं लोकी क्राफ्ट की। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करो भाई अगली वीडियो के बाद लोकी क्राफ्ट की वीडियो डालूँ या नहीं। तो यहाँ पर से जो बाकी अगर बचा कुचा काम है उसको कंप्लीट कर देते हैं, एंड उसके बाद फिर हम अपने अगले काम पे लग जाते हैं, यानी कि दूसरे वाले फार्म को बनाना। उसके अंदर मैं जो अपने शुगर केन हो गए वो वाले लगा दूंगा। तो अभी यहाँ पर से इस वाले काम को जल्दी से फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे गेट लाकर लगाने हैं, तो अभी मैं जल्दी से लेकर आता हूँ इसके फेंस के गेट बनाकर, एंड फिर इसको कर देते हैं बंद। एंड हमारा एक फार्म इस साइड बन जाएगा एंड एक फार्म ये बन चुका है, काफ़ी सही लुक आ रही है। एंड बस इसके अंदर मुझे जैसे मैंने इस रोड के ऊपर लगाया है ना ये ब्लैक बूल वाले, ऐसे ही मुझे इस साइड में लगा देने हैं ताकि हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ जाए। तो चलो फिर मैं आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर, कमेंट सब कुछ आप कर देना, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपको क्या करना है। डिस्कॉर्ड को सब ज्वाइन कर लेना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।